हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब सब ठीक होंगे। इससे पहले पढ़े थे एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के न्यूमेरिकल, जिसमें पढ़े थे एक्चुअल रनवे लेंथ निकालने के और करेक्टेड रनवे लेंथ निकालने के लिए हम पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के एयरपोर्ट रिफरेंस टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, जैसे कि हम दूसरे न्यूमेरिकल में एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के एक्चुअल रनवे लेंथ द करेक्ट रनवे लेंथ निकालेंगे, उसमें हमें एयरपोर्ट रिफरेंस टेम्परेचर निकालेंगे। उसी के बेस पे हम एक न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। तो न्यूमेरिकल में क्या है, डाटा फॉर एन हॉटेस्ट मंथ ऑफ ईयर इज द ईयर ऑफ मैक्सिमम डेली टेम्परेचर इज 43.72 डिग्री सेल्सियस एंड मीन ऑफ एवरेज डेली टेम्परेचर इज 20.32 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट इज द एयरपोर्ट रिफरेंस टेम्परेचर। देखिए, एयरपोर्ट रिफरेंस के टेम्परेचर का फार्मूला होता है, हम इसी में हम लिख देंगे। देखिए, क्वेश्चन में पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन डाटा। तो गिवेन में क्या है, मैक्सिमम डेली टेम्परेचर मीन एवरेज डेली टेम्परेचर, देखिए मैक्सिमम वाला होता है ना, मैक्सिमम वाला वो हम डिनोट करेंगे टीएम से, मैक्सिमम वाला को हम डिनोट करेंगे टीएम से। तो टीएम इज इक्वल टू कितना दिया है, 43.72 डिग्री सेल्सियस, और मीन ऑफ एवरेज डेली टेम्परेचर, मीन ऑफ एवरेज डेली टेम्परेचर, जिससे हम डिनोट करेंगे टी ए से, टी और या स्मॉल ए इज इक्वल टू 20.32 डिग्री सेल्सियस। देखिए, एवरेज वाला को हम डिनोट करेंगे टी ए से, और मैक्सिमम वाला को डिनोट करेंगे किससे, हम डेली को टी एम से डिनोट करेंगे। तो एयरपोर्ट रिफरेंस का टर्म फार्मूला होता है एयरपोर्ट रिफरेंस टेम्परेचर से डिनोट कर देते हैं। इसके फॉर्मूला होता है टी ए प्लस टी ए माइनस टी ए बाई थ्री। तो टी ए इज इक्वल टू 20.32 प्लस 43.72 माइनस 22.32 अपॉन थ्री। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आ जाता है 32.12 डिग्री सेल्सियस एआरटी, एयरपोर्ट रिफरेंस टेम्परेचर। हमारा यही हो गया आंसर। अब इसी के बेस पे न्यूमेरिकल एक्चुअल रनवे लेंथ निकालने के लिए पूछता है उस क्वेश्चन में। तो इसी पहले हम एआरटी दिया रहता है तो डायरेक्ट हम ले लेते हैं रेफरेंस टेम्परेचर, और नहीं दिया रहेगा एआरटी तो ऐसे दिया रहेगा ईयर ऑफ मैक्सिमम डेली टेम्परेचर और मीन एवरेज डेली टेम्परेचर। तो हम एआरटी निकालेंगे, उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।